हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइस, फाइनली खत्म हो चुका है मनी इन द बैंक का पेपर व्यू। यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद क्या कुछ होने वाला, सारा कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है एंड शुरुआत कर लेते हैं मनी इन द बैंक के रिजल्ट से। देन गाइस हमें किकऑफ शो में देखने को मिलता है उसोस वर्सेस रे एंड डोमिनिक के बीच टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। एंड गाइस वहां पर हमें एक काफी शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि उसोस ने हरा दिया डोमिनिक एंड रे को और वो बन चुके अब हमारे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। एंड बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां पर रोमन रेंस इस विक्ट्री से काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसोस ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लिया है और अब सब एक साथ आ चुके हैं। इसके बाद हमें मेंस शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच से, जो कि काफी जबरदस्त मैच रहा था। बट गाइस यहां पर भी हमें काफी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर जीत होती है निकी एएसएच की, यानी कि निकी क्रॉस की, जो कि भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए इस मैच में ज्यादा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था, बट निकी क्रॉस जीती वही बड़ा सरप्राइज है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप का मैच ओमोस एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच। अब जैसा कि सभी ने एक्सपेक्ट किया था, यहां पर एजे एंड ओमोस की जीत होने वाली है एंड वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला, क्योंकि एजे स्टाइल्स एंड ओमोस ने हरा दिया वाइकिंग रेडर्स को और रिटेन कर ली अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। इसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है WWE चैंपियनशिप का मैच बॉबी लेस्ली वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच। एंड भाई ये वन साइडेड मैच था, क्योंकि बॉबी लेस्ली ने पूरे मैच में डोमिनेट किया एंड रिजल्ट की बात की जाए इस मैच में बॉबी लेस्ली ने हरा दिया कोफी किंगस्टन को और रिटेन कर ली अपनी WWE चैंपियनशिप। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिला वो था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच रिया रिपली वर्सेस शार्लोट फ्लेयर के बीच। अब मैं इस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, बट गाइस ये मैच काफी ज्यादा कमाल का रहा, ऑडियंस की तरफ से काफी खतरनाक रिएक्शन मिला एंड रिजल्ट भी काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस मैच में शार्लोट फ्लेयर ने हरा दिया रिया रिपली को और वो फिर से बन चुकी है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। यहां पर बहुत ही जबरदस्त सब स्पॉट थे एंड गाइस इस मैच में एक सीन ऐसा आया था जहां पर ड्रू मैकएंटायर जीतने वाले थे, बट जिंदर माल और उनकी टीम का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है और उन्होंने ड्रू मैकएंटायर पर अटैक किया और उन्हें यहां से वो लेकर चले गए। बट बात की जाए आखिरकार जीता कौन, देन गाइस इस मैच में बिगी ने विक्ट्री हासिल की, यानी कि वो बन चुके हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक इस साल के। अब इस रिजल्ट से बहुत लोग खुश नहीं है, बट हां भाई इसके बाद जो भी कुछ हुआ उसे सुनकर आप सब डेफिनेटली से खुश होने वाले, क्योंकि गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस वर्सेस एज का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। उससे पहले हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है कि सेथ रॉयल्स बोलते हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा, जो जीतेगा उनके लिए वो नेक्स्ट होने वाले ऑन द लाइन। और गाइस बात की जाए कि ये मैच कैसा रहा एंड यहां पर क्या कुछ हमें देखने को मिला, देन मैच हमें स्लो पेस में शुरू होते हुए दिखा, बट एंड पहुंचते तक इस मैच में अलग ही टाइप की एनर्जी आ गई थी और एंड में ऐसा देखने को मिलता है कि रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाते एज को, जिसकी वजह से रेफरी डाउन हो जाते और उसके बाद ये दोनों रेफरी के डाउन होने का फायदा उठाते और एज ने रोमन रेंस को फिर से उसी लॉक में फंसा दिया था एंड उसोस भी वहां पर आते, लेकिन हमें एज की तरफ से रे एंड डोमिनिक भी आते हुए दिखते हैं, इसलिए उसोस कुछ नहीं कर पाते। बट गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस के इंटरफेरेंस और रेफरी डाउन रहते, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस ने एक सुपर किक लगाया एज के हेड में, जिसकी वजह से रोमन रेंस उस लॉक से निकल जाते एंड सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते। बट अभी भी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि उसके बाद एज ने स्पीयर लगाया लेकिन वहां पर रेफरी नहीं रहते और फिर से सेथ रॉलिंस आते, जिसकी वजह से एज डिस्ट्रैक्ट हो जाते और रोमन रेंस उसी का फायदा उठाकर लगाते स्पीयर और रिटेन करते अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड उसके बाद रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस आमने सामने बैठते, देखकर लग रहा था कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के बीच में ब्रॉल देखने को मिलने वाला, बट एज सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते एंड ये दोनों ब्रॉल करते करते एरिना में चले जाते। और गाइस उसके बाद जो भी कुछ हुआ, अगर ये नहीं होता देन मनी इन द बैंक का पेपर व्यू पूरा का पूरा फीका पड़ जाता, क्योंकि गाइस यहां पर हमें एक काफी शॉकिंग थिंग देखने को मिली। मैच के बाद रोमन रेंस माइक लेते और वही एक्नॉलेज मी वाली थिंग बोलते और देखकर लग रहा था कि अब सो एंड होने वाला, बट गाइस फिर प्ले होता है सीना का थीम सॉन्ग, यानी कि जॉन सीना का गाइस फाइनली हो चुका है रिटर्न और क्राउड हो जाती है पूरी तरह से पागल एंड जॉन सीना का काफी खतरनाक हमें एंट्री देखने को मिला एंड देखकर काफी टाइम के बाद जॉन सीना को अच्छा लगा। बट गाइस रिंग में आकर इनके बीच हमें ज्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिला, बस जॉन सीना ने बस यू कैन सी मी वाला साइन दिखाया और यहां से हमें ये पता चल चुका है कि गाइस जॉन सीना है नेक्स्ट रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और गाइस मनी इन द बैंक खत्म होने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि रोमन रेंस वहां से चले जाते, बट सीना रिंग में रहकर वहां बैठे क्राउड के लिए प्रोमो कट करते जहां पर वो सभी को थैंक्स बोलते हैं एंड यही सारी थिंग कि वो उन्हें काफी ज्यादा मिस किए। इसलिए गाइस अब यहां से सीन क्लियर हो चुका है कि मनी इन द बैंक के बाद क्या कुछ होने वाला, यानी कि सेथ रॉलिंस और एज की फ्यूड स्टार्ट हो चुकी है और रोमन रेंस एंड जॉन सीना की। इसलिए गाइस WWE में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है और स्पेशली स्मैकडाउन में। अब समर स्लैम के लिए तो दो मैचेस हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस एज। तो लेट्स सी आगे और कौन कौन से बड़े मैच हमारे लिए निकल कर आते हैं समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। तो गाइस यही कुछ हमें देखने को मिला मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में एंड इसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है वो मैंने आप सबको बता दिया। तो गाइस पूरे शो में आपका फेवरेट मोमेंट पूछने की मुझे जरूरत तो है नहीं, बस इतना बता देना कि आप मनी इन द बैंक के पेपर व्यू को 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।